होने वाली साइकिल मैराथन जयपुर के समय के स्टेडियम के पास में स्थित अमर जवान ज्योति पे वहाँ से स्टार्ट होगी मैराथन। सभी की साइजें लिखी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर साइकिल वितरण हो रहा है, अपना टोकन लाकर यहाँ पर साइकिल ले सकते हैं। राजेश जी बात कराऊंगा। मैंने भी अपनी साइकिल ले ली है, मेरी साइकिल नंबर है 8 नंबर और ये मेरी भतीजी है। हेलो, हमारी लीडर है ये, हमारी ये हमारी फाउंडर है, फाउंडर है, फाउंडर डायरेक्टर है, लीडर है, फाउंडर है। मैम बताइए आज के बारे में, हम लोग सब साइकिल धोने जा रहे हैं। मैम लो आप साइकिल उपस्थित है। जोरदार तालियां, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जला रही है अभी अभी यही संदेश दे रहे हैं कि हम स्वागत अभिनंदन आपका आज के साइक्लाथॉन में। HSS और IMC की फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस साइक्लाथॉन में आप सभी पर्यावरण प्रेमियों का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और जो आवाज आप सुन रहे हैं अभी हमारे बहुत बढ़िया, हम सभी को गर्व है कि हम सभी भारतीय हैं और हमारा दिल हिंदुस्तानी है। आजादी के इस दृश्य को मनाएंगे साइक्लाथॉन, पर्यावरण प्रेमियों का एक संदेश तालियों के साथ सभी के गाएंगे। राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी आज साइक्लोथॉन में पधारकर सभी युवा साथियों को यही संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को संरक्षित करना है। कि किस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते हुए भी आप आज इस साइक्लोथॉन में हिस्सा भी ले रहे हैं और तभी युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं सभी इस निवेदन करूंगा कि कृपया बनाए रखें, आप आगे ना आए। सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच आ चुके, निवेदन है कि कृपया आप अपने भारत माता की, भारत माता की के लोग प्रकृति की ओर आओ चले, प्रकृति की ओर आओ चले। कि किस प्रकार से भी प्रकृति प्रेमी आज सही और साइकिल के भाग चले, को संरक्षित करना है, पेड़ों को लगाना है और प्रकृति का संरक्षण करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सुस्वागतम अभिनंदन। श्रीमान नीरज दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान नीरज जी मुड़ा नागरिक। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की जय, भारत माता की जय। आज के इस
हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के साइक्लोथॉन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी इसके पदाधिकारीगण, सभी इसके जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे सभी युवा एवं विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस तरह का आयोजन जो हो रहा है उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, ये कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम संदेश देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने देखा है जो हमारी प्रकृति है, हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण को किस तरह से हमें संरक्षण करना है और उसको किस तरह से रखना है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं घटते हुए वन, सुकुड़ती हुई नदियां और घटते हुए पहाड़, वो हमारे लिए और हमारी जलवायु के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम हमारी प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और हम प्रदूषण जो हम कर रहे हैं उसके आगे हम हमारे पर्यावरण को किस तरह से सुधार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति गाड़ी में चलना चाहता है, लेकिन गाड़ी से कितना प्रदूषण होता है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ये हमें सभी को संकल्प लेना चाहिए। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये पर्यावरण को तो बचाता है लेकिन हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारी बुद्धि और विवेक भी ठीक रहेगा, हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम अच्छा काम सोच सकते हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। हम सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के प्रति हम सबका दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम करें और हमारी प्रकृति का संरक्षण करने का काम हम करें, यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमारी सांसद जी, हमारे उपमहापौर जी, हमारे भाई साहब रमेश जी भाई साहब, बाबूलाल भाई साहब, हमारे बीएल सोनकार जी, हमारे मंत्री, हमारे के बिश्नोई जी, हमारे सोमकांत जी, जो सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं दिल की गहराइयों से सरदार अजय पाल जी भी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप सभी लोग जाएंगे और ये नियमित रूप से हम साइकिल को लेकर के चलें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे, इसका ध्यान रखते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लहराते हुए यही संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को प्रकृति को बचाना है, चलिए चलिए भाई साहब, कैमरा मैन मेरे।
पानी का सेवन करते रहें और थोड़ी देर में छाया पर बैठकर उसके